अभी से पहले विधानसभा चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल बताया जा रहा है और ऐसे में पूरे देश की नजर पांच राज्यों के नतीजों पर टिकी हुई है, जिसमें से चार राज्यों के नतीजों का ऐलान आज होगा और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह 8 बजे से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने सबसे पहले शुरू होंगे जी न्यूज पर। और हर पार्टी की धड़कन तेज है, नतीजों से पहले सारी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे ठोक रही हैं। मध्य प्रदेश में खिलेगा कमल या आएंगे कमलनाथ, छत्तीसगढ़ में रहेंगे बघेल या बीजेपी करेगी खेल, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो चुकी है, चुनाव आयोग की टीमें तैयार हैं और तैयार हैं बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज। नतीजों से ठीक पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। जो एग्जिट पोल होते हैं ना, ये सब बिकाऊ हैं, इनका जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। इसलिए सबसे बड़ा एग्जिट पोल मेरा है। क्या आंकड़े 130 प्लस। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा साहब के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश जहां 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और कौन जादुई आंकड़े 116 को पार करेगा, एमपी में अभी बीजेपी की सरकार है, लिहाजा प्रेशर बीजेपी के लिए ज्यादा है क्योंकि बीजेपी को अपना किला बचाना है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के नतीजे आएंगे, यहां बहुमत का आंकड़ा 46 है और यहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में तमाम दिग्गजों समेत 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं और छत्तीसगढ़ में 1181 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला हो जाएगा। 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में भी कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि महा एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बरकरार रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 35 से 45 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 42 से 52 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य को 1 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को फिर से बहुमत मिल सकता है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस भी यहां अपनी जीत का दावा कर रही है। मैं आपको कहता हूं ये 48 में नहीं रुकेगा, 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कोई प्लान बी की जरूरत नहीं है, कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी। काम किया है, लोगों ने साथ दिया है, जीतेंगे। जाहिर है सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत का सामना अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगा। एमपी और छत्तीसगढ़ की जनता ने किसे सत्ता दी है और किसे बाहर का रास्ता दिखाया है, ये बस थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच कुछ ही घंटों के बाद जो है यानी सुबह 8 बजे से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनावी नतीजे आने शुरू होंगे। सबसे पहले जी न्यूज पर और हमारे रिपोर्टर्स जो कि लगातार बने हुए हमारे साथ, रविंद्र पार्टी कांग्रेस हेडक्वार्टर से मेरे साथ, बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ रविंद्र कुमार और भोपाल में जो बीजेपी का दफ्तर है वहां से राहुल मिश्रा है। रवि त्रिपाठी, आपके पास बहुत शानदार तस्वीरें सुबह से मैं देख पा रही हूं। जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी हो रही है, दिवाली एक बार फिर से कांग्रेस जो है मनाने के मूड में नजर आ रही है। तस्वीरें दिखाइए रवि त्रिपाठी। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग समय अलग अलग नजारे, देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे आपने देखे और अब इस बार देखिए नई तस्वीर है।